नमस्कार साथियों, दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनजातियों के अंतर्गत आज हम थारू जनजाति को बहुत अच्छे से देखेंगे, विस्तार पूर्वक देखेंगे। इनकी जीवन शैली, इनका रहन सहन, खान पान, इनके रीति रिवाज, हर एक पॉइंट्स को जो है कवर करेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये आपको यूपी पुलिस की तैयारी कराता है, ये साथ ही साथ यूपी पुलिस के सारे अपडेट्स आपको जो है उपलब्ध कराता है। दोस्तों बात करें अगर थारू जनजाति के नामकरण की, तो इसका नाम थारू क्यों पड़ा, एक सवाल यह उठता है कि इसका नाम थारू ही क्यों पड़ा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि थार रेगिस्तान ये कहां है, राजस्थान में है। इसी थार रेगिस्तान से ये आकर जो है उत्तर प्रदेश के तराई जिलों में बसे हैं, इसी कारण जो है इनका नाम थारू जनजाति पड़ा है। पांच जिलों में इन्होंने जो है कि इनका जो मुख्य निवास स्थान है वो उत्तर प्रदेश का पांच जिला है। प्रमुख रूप से देखिए पहला है लखीमपुर, दूसरा बहराइच, तीसरा श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये पांच जिले मुख्य रूप से हैं। ऐसे तो ये कई और भी जिलों में पाए जाते हैं, लेकिन बात होती है मुख्य रूप से। अब दोस्तों बात करें अगर इनके परिवार की, तो इनका जो परिवार है वो संयुक्त एवं पितृसत्तात्मक परिवार होता है। यानी कि इनका जो परिवार में इनके संयुक्त परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार की जो है प्रथा है। साथ ही साथ इनके परिवार में जो है महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर मानी जाती है। और एक और रीति रिवाज है, जब महिलाएं जब पुरुषों को जब खाना देती हैं तो वो हाथ से ना देकर के जमीन पे रख के उसको पैर से धक्का देकर जो है खाना देती हैं। दोस्तों कदकाठी की बात करें तो ये कद में बहुत छोटे होते हैं। कद में ये छोटे होते हैं और चौड़ी मुखाकृति, मतलब कि इनका जो चेहरा होता है वो चौड़ा होता है, लंबा ना होकर के, पतला ना होकर के इनका चेहरा जो होता है वो चौड़ा होता है। और पुरुषों की तुलना में महिलाएं अत्यधिक सुंदर होती हैं। दोस्तों इनके रंग की बात करें तो इनके चेहरे का, इनके जो स्किन का कलर होता है वो होता है पीला। पहनावा देख लेते हैं अब। दोस्तों पुरुष जो होते हैं थारू जनजाति में पुरुष जो है इनका जो आप कह सकते हैं कि इनका जो पारंपरिक जो पहनावा है वो है लंगोटी की तरह धोती एवं बड़ी चोटी। यानी कि ये धोती पहनते हैं, इनका पारंपरिक बात कर रहा हूं। अब कहीं ना कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पारंपरिक जो पहले के जो थारू जनजाति थे आप उनमें देखेंगे कि वो जो है धोती को पहनते थे लंगोटी की तरह। लंगोटी मतलब कि नीचे से दोनों पैरों के बीच से ले जाके पीछे ऐसे जो है खोसकर इस तरीके से धोती पहनते थे। और बड़ी चोटी इनकी बड़ी रहती थी जो कि हिंदुत्व का जो है प्रतीक है। स्त्रियों की बात कर लेते हैं, रंगीन लहंगा स्त्रियां जो होती थी वो लहंगा पहनती थी। कैसा लहंगा पहनती थी, रंगीन लहंगा पहनती थी, ओढ़नी लेती थी, चोली और बूटेदार कुर्ता पहनती थी। और गुदना गुदवाना इनको बहुत अच्छा लगता था। दोस्तों थारू जनजाति के अंतर्गत गुदना गुदवाना जो है ये एक बहुत ही कॉमन चीज है, लगभग सभी महिलाएं जो है गुदना गुदवाई रहती हैं। खान पान की बात करते हैं, दोस्तों खान पान में ये जो है चावल अधिक पसंद करते हैं अपेक्षाकृत रोटी के। ऐसा नहीं है कि ये गेहूं की उपजाऊ नहीं करते हैं, गेहूं की खेती नहीं करते, अन्य जो फसल है उनकी खेती नहीं करते हैं, लेकिन चावल जो है मुख्य रूप से ये जो है ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा ये मांस मछली भी ये जो है बहुत अधिक पसंद करते हैं। दोस्तों चावल द्वारा निर्मित एक जाड़ नामक मदिरा होता है, जाड़ है ना, ये जाड़ जो है ये चावल को जो है चावल को गला के इसको जो है सड़ा के बनाया जाता है, जो कि पीने के बाद नशा होता है ना, लिखा हुआ है मदिरा। तो ये चावल द्वारा निर्मित जाड़ नामक मदिरा का सेवन करते हैं। दोस्तों कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं थारू जनजाति से रिलेटेड। हिंदू धर्म के सभी मुख्य त्यौहार ये मनाते हैं, चाहे वो होली हो गया, दशहरा हो गया, मकर संक्रांति हो गया, ठीक है, जन्माष्टमी हो गया, सारे त्योहारों को ये मनाते हैं। लेकिन दीपावली को थारू जनजाति शोक के रूप में मनाते हैं। ये आप सभी जानते होंगे कि थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि शोक के रूप में क्यों मनाते हैं।
तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो दीपावली है इस दिन क्या होता है कि थारू जनजाति अपने पूर्वजों को जो है ये भोज अर्पण करते हैं। इस वजह से जो है ये जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इनकी अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं, कृषि प्रधान इनकी अर्थव्यवस्था होती है। दोस्तों एक चीज और, ये जो होली होता है ना थारू जनजातियों में, होली जो है ये 8 दिन तक मनाते हैं। कब, कितने दिन तक, 8 दिनों तक इनके में होली चलता है। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है और धान की खेती जो है अधिक करते हैं। थारुओं के मुख्य व्यवसाय की बात कर लेते हैं अब दोस्तों, पशुपालन, लकड़ी की ढुलाई मतलब लकड़ी को ढोना, ठीक है, लकड़ी की कटाई। अब जाहिर सी बात, लकड़ी को जब काटेंगे जंगल से, अब देखिए इनका जो निवास स्थान है वो पहाड़ों और जंगलों के बीच में है, तो जाहिर सी बात है कि अब वहां पे ये क्या व्यवसाय करेंगे, यहाँ पे ये मॉल तो खोल नहीं लेंगे, है ना, वहां पे ये मॉल तो खोलेंगे नहीं भाई, ये लकड़ी काटते हैं, लकड़ी की ढुलाई करेंगे। और जो जड़ी बूटियां हैं, जो पहाड़ों पे है ना, जो जंगलों में जो जड़ी बूटियां रहती हैं, उनको एकत्र करना, फलों को एकत्र करना, शिकार करना, यही सब इनका जो है प्रमुख व्यवसाय है। दोस्तों लठभरवा भोज, एक भोज आता है थारू जनजाति से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों लठभरवा भोज। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि थारू जनजाति में विधवा विवाह, विधवा के पुनर्विवाह, विधवा विवाह नहीं, विधवा के पुनर्विवाह की जो है चर्चा है। और उस विधवा का, जब किसी विधवा का पुनर्विवाह किया जाता है, उस दौरान जो लोगों को जो खाना खिलाया जाता है, यानी कि जो भोज आमंत्रण किया जाता है, उसी भोज को लठभरवा भोज कहते हैं। हिंदू धर्म में इनका जो है बहुत विश्वास होता है, ये हिंदू धर्म को ही मानते हैं। देव काली की पूजा स्पेशल करते हैं ये भाई, विशेष रूप से बात कर ले तो ये देव काली की पूजा करते हैं। और ये जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो शिवलिंग जो बना होता है वो पत्थर का नहीं बना होता, वो बना होता है बांस की लकड़ी का जो है वो बना होता है शिवलिंग, उसकी ये पूजा करते हैं। अब दोस्तों इनके विवाह के रीति रिवाजों को देख लेते हैं। जब इनके यहां विवाह होता है तो वर पक्ष को कन्या पक्ष के घर जाना पड़ता है ना। इनके यहां क्या रीति रिवाज है कि भाई सबसे पहले, हमारे यहां क्या होता है कि जब शादी होती है तो पहले लड़की पक्ष जाती है जो है लड़के के घर पे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे जो है कि उल्टा है, यहां वर पक्ष को पहले कन्या पक्ष के यहां जाना पड़ता है। मैंने कहा ना कि थारू जनजाति में महिलाओं की स्थिति जो है बहुत बेहतर मानी जाती है, और विवाह का जो खर्च होता है वो दोनों उठाते हैं, कोई एक पक्ष नहीं उठाता। विवाह में जो भोज जो आमंत्रण किया जाता है, उस भोज का जो खर्चा होता है वो दोनों पक्ष मिलके जो है उठाता है। और दहेज रहित विवाह होता है, मतलब दहेज नहीं लिया जाता है, दहेज का प्रचलन जो है इनके विवाह में नहीं होता है, यानी दहेज निषेध है। एक जो इंपॉर्टेंट बात है, और इसी बात के साथ मैं जो है थारू जनजाति के ऊपर आज का हमारा वीडियो जो है इसको समाप्त करेंगे। थारुओं के लिए प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय की बात करें, जो प्रथम विश्वविद्यालय जो प्रदेश का खोला गया है थारू जनजाति के लिए, वो कहां खोला गया है, लखीमपुर खीरी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों थारू जनजाति से रिलेटेड। मुझे लगता है कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो है कि पॉइंट्स मैंने कवर करा दिया है, और इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर थारू जनजाति से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके जो है इन्हीं पॉइंट से फंस जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।